गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास के सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर टू यूनिटी स्ट्रेंथ। यूनिटी स्ट्रेंथ एकता में बल होता है, कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था दो पैराग्राफ। अब आगे देखो क्या होता है। रंजीत सिंह द पैलेस हेड, जो रंजीत सिंह होते हैं पैलेस हेड कुक, महल के हमारे हेड कुक मुख रसोईया है। वॉर बेरी बरी, बहुत ही चिंतित हो गए। वॉर बेरी बरी, बहुत ही चिंतित हो गए। बट लेकिन देयर इज सो लिटिल टाइम, उनके पास बहुत थोड़ा सा समय। क्या समय था? व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता। मतलब जब केक बनेगा, बहुत बड़ा केक बनेगा, तो केक को बनाने के लिए एक व्यक्ति तो होगा नहीं, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, अपना योगदान करेंगे उस केक को बनाने में। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल द पीपल, सभी लोग, एंड द क्रीचर्स, और प्राणी, सभी लोग और प्राणी, ऑफ द किंगडम, राज्य के, किंगडम होता है राज्य, लव्ड देयर यंग प्रिंस, युवा राजकुमार को स्नेह करते थे। जो हमारे लोग थे, राज्य के जो लोग थे, वो देयर यंग प्रिंस, जो युवा राजकुमार था, उससे स्नेह करते थे। दे सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, इट इज ट्रू, यह सत्य बात है। इट इज ट्रू का मतलब है यह सत्य बात है। नो वन कैन डू, नो वन कैन डू, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। इट अलोन, इसको अकेला। वी विल ऑल हेल्प, हम सभी सहायता करेंगे। वी विल ऑल हेल्प, हम सभी सहायता करेंगे। यू, आपकी, इसके लिए बेक द बेस्ट केक, उस केक को, मतलब सेंकने के लिए, उस केक को सेंकने के लिए हम सभी आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। यू हैव एवर मेड, जो तुम बनाओ। द कुक लिस्टेड, जो रसोईया था, जो कुक था, लिस्टेड, उसने सूची बनाई। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं घर में, रेसिपी होती है उसकी बनाते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। लिस्टेड द इंग्रेडिएंट्स, जो सामग्री होती है, इंग्रेडिएंट्स होता है फॉर द केक, जब केक बनाएंगे उसके लिए सामग्री चाहिए। हर चीज़ के लिए होती है सामग्री, जैसे हम चाय बनाते हैं, पानी चाहिए, अदरक चाहिए, दूध चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, तो हमारी चाय कंप्लीट होती है। वैसे ही कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इंग्रेडिएंट्स, सामग्री चाहिए फॉर द केक, उस केक को बनाने के लिए। एग्स, अंडे, मिल्क, दूध, क्रीम, मलाई, मैदा, मैदा, शुगर, चीनी, हनी, शहद, एंड प्लम्स, प्लम्स होते हैं हमारे, वो चाहिए उसको डेकोरेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें जब होगी तब केक का निर्माण हो जाएगा, केक बन जाएगा। मतलब द कुक लिस्टेड, जो रसोईया था, उसने क्या किया, लिस्ट बनाई, एक सूची बनाई, द इंग्रेडिएंट्स, सामग्री की, फॉर द केक, उस केक को बनाने के लिए। एग्स, अंडे लिए, मिल्क, दूध लिया, क्रीम, मलाई ली, मैदा ली, शुगर, चीनी ली, हनी, शहद लिए, प्लम्स, और प्लम्स लिए, एंड एवरीवन, और प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, क्विकली गॉट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति काम करने लगा, मन से काम करने लगा।